जम्मू और कश्मीर में यह खबर आई है कि वहां दो सिख लड़कियों का अपहरण करके जबरन उनका निकाह और इस्लामी धर्मांतरण करा दिया गया है। इस मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा सक्रिय रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार के धर्मांतरण और निकाह को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए। उनकी यह मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन सिरसा ने ही लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कानून बनाए जाने पर हिंदू धर्म को यह कहते हुए एक कमजोर धर्म कहा था कि अगर किसी धर्म को अपनी रक्षा करने के लिए कानून की जरूरत पड़े तो वो धर्म पाप है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके गृह मंत्री शाह से मांग की कि जम्मू और कश्मीर में सिख नाबालिग लड़कियों के जबरन निकाह को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह कानून लागू किया जाए, जिसके तहत अंतर्धार्मिक विवाह के लिए अभिभावक की मंजूरी आवश्यक है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूरे मामले में कहा, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लगातार बेटियां अगवा हो रही हैं, लगातार उनका जबरन निकाह हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, सरकार इसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह कानून को लागू करे। जब तक यह कानून नहीं होता हमारी बच्चियाँ यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 7 दिनों में 4 बच्चियाँ अगवा की जा चुकी हैं और 45 से 50 साल के लोगों के साथ उनका निकाह जबरन किया गया है। जिस धर्म के लोगों ने यह काम किया है उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो सिखाता है कि 18 साल की लड़की का निकाह एक 50 साल के आदमी से करा दिया जाए? हमारे धर्म के लोगों ने ऐसा किया होता तो हम जूतों के हार डाल देते ऐसे आदमी के ऊपर। क्या मजबूरी है कि उस धर्म के लोग चुप हैं? कैसे निभाया जाएगा भाईचारा? कुछ दिनों पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने धर्म परिवर्तन पर भाजपा शासित राज्यों में बनाए गए कानूनों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि किसी भी धर्म का इतना कमजोर क्यों है कि उसे बचाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा हो। उन्होंने कहा था कि अक्सर यह बात कही जाती है कि धर्म परिवर्तन करने पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों है कि उसके लिए कानून बनाना पड़े? ऐसा धर्म है ही क्यों? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब यह है कि उस धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। धर्म के संचालन करने वालों में जो कमियां हैं उनको निकालो। सिरसा ने सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों का उदाहरण देते हुए कहा था कि उनको लालच दिया गया, डराया गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन अगर किसी का धर्म इतना कमज़ोर है कि उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। सिरसा ने यह भी कहा कि मैं श्रीनगर के नेताओं, मौलानाओं और मुफ्तियों के साथ सिख बेटियों के समर्थन में आने का अनुरोध करता हूँ। CAA के विरोध के दौरान मुस्लिम बेटियों को सुरक्षित घर पहुंचाने में सिख सबसे आगे था, लेकिन कोई भी मुस्लिम नेता सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने आया है। हालांकि तत्कालीन भाजपा सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के CAA का विरोध किया था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सताए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था, जिसमें सिख भी शामिल थे। ज्ञात हो कि जम्मू और कश्मीर के 2 सिख लड़कियों के जबरन अपहरण और उनके इस्लामी धर्मांतरण की खबर आई। इनमें से एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी शादी जबरन एक मुस्लिम से करा दी गई है और उस लड़की का अब तक पता नहीं चल सका है। यह घटना बड़गाम की बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना राजधानी श्रीनगर के मजहूर नगर की है, जहाँ एक लड़की अपने एक मुस्लिम दोस्त की शादी अटेंड करने गई थी। ये लड़की नाबालिग नहीं थी। इस लड़की की वहीं शादी समारोह में एक अन्य मुस्लिम लड़के के साथ जबरन शादी करा दी गई। मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई सिख नेता लगातार इन मामलों को लव जिहाद बता रहे हैं और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सिरसा भी मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आए और उनका समर्थन करें, क्योंकि कश्मीर में घाटी में भाईचारा कायम रखने के लिए ये बहुत आवश्यक कदम है।